तो फाइनली जो मैं रेडी हो चुका हूँ, अब रूम सोने का समय आ चुका है। टी शर्ट लेकर आया था, देखो तो पूरा येलो नहीं है, और ये जीन्स और ये शूज हो गया, और ये वॉच मैं लिया था, लगभग 4000 का भी है। तो अब रूम छोड़ने का है, लगेज भी रेडी है, और ब्लेजर भी जो है ब्लेजर भी रखा हुआ है। टाइम हो चुका है अब रूम छोड़ने का, और जो है मैं निकल कर जो है जाने वाला हूँ। ओके, सो अब हम जो है निकल चुके हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ से जो है बाहर एयरपोर्ट निकलने के लिए, और ओला में रेडी था। अब जो मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट पे, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो आप गेट देख रहे हो, इसी यानी इमरजेंसी गेट है, यहाँ पे जो मेरे को सीट मिला हुआ था, इससे प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जो सीट जो है आप अप डाउन नहीं कर सकते हो। बैड लक था, और ये मेरा जो है लॉगेज आ रहा है पीछे साइड में, जो मेरा दोस्तों लॉगेज है वो मेरा लॉगेज आ रहा है। इस बार जो है दोस्तों जो है मैं काफ़ी, ये मेरा लॉगेज हो गया, बैड लक ही था, क्योंकि जो है मेरे को जो है आपको दोहा से जो है दिल्ली, और आपको दिल्ली से पटना के लिए दोनों जगह जो है दोस्तों मेरे को जो है इमरजेंसी गेट के पास ही सीट मिला था, जिससे जो है काफ़ी तकलीफ हुई, यानी कि मैं सो नहीं सकता था। और यह है आपको दिल्ली एयरपोर्ट है, अब यहाँ से मैं जो है फ्लाइट करने वाला हूँ। तो काफ़ी तकलीफ हुई सीट में दोस्तों की, मैं सो नहीं सकता था, ना ही मैं जो है आपको सही ढंग से बैठ सकता था, क्योंकि सीट जो है अप डाउन करने का जो है इसमें ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि जो सीट था इमरजेंसी गेट के पास था, और इस कारण से जो है काफ़ी तकलीफ जो है था यहाँ पे। अब मेरा बैड लक है या जो भी समझे, आप ये देख रहे हो पटना वाला पे भी जो दोस्तों किस जो है इमरजेंसी ये सीट है, ये जो आप देख रहे हो इमरजेंसी है, और यहाँ पे जो है आप सीट मिला हुआ था, और बाकी जो नज़ारा आप देख सकते हो।